सो हेलो फ्रेंड्स, सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। मैं हूँ इरशाद। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे टॉप ऐसे पोकेमोन जो डिजर्व करते थे मेगा एवोल्यूशन। तो ये वीडियो है बहुत खास। तो चलिए वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं आपको मिलाऊंगा मेरे छोटे से दोस्त क्यूट लिटिल पार्टनर एमडी से। तो एमडी कहाँ रह गया तू, जल्दी से आ। तो ये है मेरा दोस्त एमडी। सो एमडी, सबको हेलो तो बोल। हेलो फ्रेंड्स, मैं एमडी। तो मैंने इसका नाम बस एमडी रखा है जो कि है मिनी डायनामिक। तो मैंने इसका कोई अच्छा सा नाम नहीं रखा। आपको कोई नाम सुझा तो कमेंट में जरूर कीजिए। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। नंबर 5 पे जो पोकेमोन आता है वो है नॉर्मल टाइप और बहुत ही ताकतवर पोकेमोन, वो है स्नोरलैक्स। तो फ्रेंड्स, स्नोरलैक्स हमारे लिस्ट नंबर 5 पे है क्योंकि स्नोरलैक्स एक बहुत ही लेसी पोकेमोन है, फिर भी वो बहुत ही पावरफुल है। वो हमको इंट्रोड्यूस किया गया था जनरेशन 1 के वेकअप स्नोरलैक्स के एपिसोड में। तब हमने उसकी पावर सीधा देखी नहीं थी, लेकिन एश के ऑरेंज लीग के सफर में हमने देख लिया था कि वो बहुत पावरफुल है। तो ये मेगा एवोल्यूशन डिजर्व करता है। अगर ये मेगा एवोल्यूशन होगा तो कैसा होगा, चलिए वो देख लेते हैं। वो होगा कुछ इस टाइप का। हिंदी कैसा है वो तो बोल। अरे यार, ये तो बहुत बड़ा है, मुझे मारना दे, हटा दे। वैसे हमें हटा देते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नंबर 4 की तरफ। तो फ्रेंड्स, नंबर 4 पे जो पोकेमोन आता है हमारे लिस्ट में वो है बहुत पावरफुल ड्रैगन टाइप पोकेमोन। अगर आपने गेस कर लिया है तो वो है ड्रैगनाइट। फ्रेंड्स, ड्रैगनाइट को मैंने अपने लिस्ट में नंबर 4 पे रखा है क्योंकि ड्रैगनाइट एक बहुत ही पावरफुल ड्रैगन टाइप पोकेमोन है। ये हमको पहली बार देखा था ऑरेंज लीग के एपिसोड में, और ये तब एश के बहुत सारे पोकेमोन को इसने अकेले ही हरा दिया था। तो ये एक अच्छा पोकेमोन है। तो अगर ये मेगा एवोल्यूशन डिजर्व करता है तो इसका मेगा एवोल्यूशन होगा कैसे। अगर वो मेगा एवोल्यूशन होगा तो वो कुछ इस टाइप का होगा। तो चलिए हम एमडी से पूछते हैं। एमडी, अरे एमडी फ्रेंड्स, मुझे ये पोकेमोन बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्योंकि इसने मुझे 2 बार हरा दिया था और ये मुझे बहुत खराब दिखता है। फ्रेंड्स, एमडी की बात को इग्नोर करते हुए तो चलिए बढ़ते हैं नंबर 3 की तरफ। तो फ्रेंड्स, नंबर 3 पे जो पोकेमोन आते हैं वो एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 पोकेमोन हैं, और वो हैं जूटो के स्टार्टर्स। तो फ्रेंड्स, जूटो के स्टार्टर्स हैं हमारे नंबर 3 पे क्योंकि वो हमारे लिस्ट पे इसलिए जगह बनाते हैं क्योंकि होइन और केंटो के स्टार्टर्स के पास मेगा एवोल्यूशन है। तो अगर देखा जाए तो जूटो के स्टेटस भी इतने बुरे नहीं है और वो भी बहुत पावरफुल हैं, तो इनके लिए भी मेगा एवोल्यूशन चाहिए। तो चलिए एमडी से पूछते हैं। एमडी, तू क्या कहता है बे? मुझे बस कोई चिंता नहीं, मेरे पास मेगा एवोल्यूशन है तो है, दूसरों का मुझे फिक्र नहीं है। अरे इतना भी खराब बात बन। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे हम देख लेंगे बाद में। तो चलिए बढ़ते हैं नंबर 2 की तरफ। फ्रेंड्स, नंबर 2 पे जो पोकेमोन आता है वो है लेजेंडरी पोकेमोन लुगिया। सो फ्रेंड्स, लुगिया हमारे लिस्ट में नंबर 2 पे है क्योंकि ये बहुत ही अच्छा पोकेमोन है और ये हमको पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था लुगिया को पोकेमोन द सेकेंड मूवी 2000। सो फ्रेंड्स, इस मूवी में लुगिया ने 3 लेजेंडरी बर्ड्स को अपने काबू में कर लिया था और उन्हें शांत कर दिया था और विलन को भी हरा दिया था। सो फ्रेंड्स, आप पूछेंगे लुगिया है क्यों, हो क्यों नहीं। फ्रेंड्स, हो की बात अलग है। हो तो एक गॉड है जिसने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 6 पोकेमोनों को बनाया है जो कि हैं स्वीकून, फ्रेंटाई और राइकून, मोल्ट्रस, रैपडोस और लास्ट में आर्टिकूनो। और लुगिया ने बस इन तीनों को काबू किया था, लुगिया ने कुछ नहीं किया था। तो हो एक गॉड है। तो फ्रेंड्स, लुगिया को हमने एक और बार देखा था
जेनरेशन 7 में जो कि कार्लोस लीजन में एश और दी हूपर्स की क्लैशिंग में देखा था कि लुगिया भी हेल्प करना है एश की, लेकिन लुगिया के पास मेगा एवोल्यूशन नहीं था, बल्कि सारे पोकेमोन के पास मेगा एवोल्यूशन था, इसलिए लुगिया कुछ नहीं कर पाई। तो फ्रेंड्स, इसीलिए लुगिया हमारे लिस्ट में नंबर 2 पे आती है। तो फ्रेंड्स, लुगिया का मेगा एवोल्यूशन होगा तो वो कैसा होगा? वो होगा ऐसे। तो देखिए, ये बहुत ही अच्छा मेगा एवोल्यूशन है। तो चलिए अब बढ़ते हैं नंबर 1 की तरफ। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 पे जो पोकेमोन आता है वो है द ऑल टाइम द बेस्ट साइकिक टाइप पोकेमोन डीऑक्सिस। तो फ्रेंड्स, डीऑक्सिस है हमारे लिस्ट में नंबर 1 पे। तो फ्रेंड्स, डीऑक्सिस को हमने पहली बार देखा था डीऑक्सी की मूवी में, जो कि पोकेमोन दी मूवी डीऑक्सिस का बदला, और उसमें डीऑक्सिस रिक्वाजा से 2 बार हार जाता है। और एक और फुटेज में आपको दिखाता हूँ जहाँ पे डीऑक्सी एक मेगा रिक्वाजा से हारता है। अगर तब भी डीऑक्सी के पास मेगा एवोल्यूशन होता तो वो रिक्वाजा को मुंह तोड़ जवाब देता और हार जाता, क्योंकि रिक्वाजा भी एक बहुत अच्छा पोकेमोन है। तो फ्रेंड्स, डीऑक्सी हमारे लिस्ट में नंबर 1 पे है, क्योंकि डीऑक्सी डिजर्व करता था मेगा एवोल्यूशन। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं मेरे से ही वीडियो अगर चलाएँ तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर। तो फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट में कह सकते हैं कि मैंने कौन सा पोकेमोन इस लिस्ट में नहीं रखा। अरे यार, सब कुछ भूल जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, ऐसी मस्ती मजाक के साथ हमको फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।